हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? जैसा कि हम लोग सीरीज़ वाइज सीरीज़ आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस दे रहे हैं, और उसी सीरीज़ में मैंने आपने भी काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़े हैं और काफ़ी व्यूज़ भी बढ़े हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। थोड़ा सा और आप लोग अगर करेंगे तो मैं सारे टॉपिक्स कवर कर दूँगा, सिविल इंजीनियरिंग के सारे सॉफ्टवेयर कवर कर दूँगा। और आज के जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉलम्स। व्हाट अबाउट कॉलम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, क्वेश्चन क्या बनता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज कॉलम? सो द योर आंसर इज कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर व्हिच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लैब बीम टू फुटिंग, एंड इट इज अ कंप्रेशन मेंबर। इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर नहीं है, बीम टेंशन होता है, ये क्या होता है? इट इज अ कंप्रेशन मेंबर। फिर क्या लोग पूछते हैं? पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉलम बताओ। अब यार, टाइप्स ऑफ कॉलम कोई बोल देगा क्या बोलते हैं, शॉर्ट लॉन्ग, ऐसे नहीं होता है। उसके प्रॉपर वे हैं, क्या वे हैं? बेस्ड ऑन, पहले आपको बताना चाहिए बेस्ड ऑन शेप, उसके बाद बोलना चाहिए बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट, फिर बोलना चाहिए बेस्ड ऑन अपना ये लोडिंग, एंड बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। ये चार मेन टाइप्स हैं। अब इन चारों के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पहला टाइप बेस्ड ऑन शेप, तो बेस्ड ऑन शेप में कौन कौन सा आता है? रेक्टेंगुलर आता है, सर्कुलर आता है, हेक्सागोनल आता है, टी टाइप आता है, एल टाइप आता है, वी टाइप आता है, अपना एल टाइप आता है, वाई टाइप आता है, वाई टाइप विथ आर्च आता है, उसके बाद आर्च टाइप आता है, हेक्सागोनल टाइप आता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं, ठीक है? ये शेप थोड़े से ज़्यादा है, 7-8 है। और इसके बाद नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ लाइक बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के बेसिस पे इसके तीन डिविजन्स किए गए हैं। पहला रेक्टेंगुलर कॉलम, लाइक इसको हम लोग टाइट कॉलम बोलते हैं, अगर रेनफोर्समेंट में बात किया जाए तो टाइट कॉलम बोलते हैं, जो रेक्टेंगुलर होता है। नेक्स्ट होता है स्पायरल कॉलम, जो कि सर्कुलर होता है। और उसके बाद होता है कंपोजिट कॉलम, जिसके अंदर एक आई सेक्शन, और आप डायग्राम में देख सकते हैं आई सेक्शन, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अपना रेनफोर्समेंट, नॉर्मल रेनफोर्समेंट डाला जाता है। ये चीज़ें कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, जैसे हार्बर्स, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, ऐसे केसेस में हम लोग कंपोजिट कॉलम को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों बेस्ड ऑन अपना ये लोडिंग्स। लोडिंग में दो टाइप्स मेन हैं, पहला है एक्सियल, दूसरा है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक में दो टाइप्स है, कौन कौन से? यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल। तो पहले तो हम लोग एक्सियल की बात कर लेते हैं। तो एक्सियल मीन्स लाइक इफ लोड इज एक्टिंग ऑन द कॉलम सेंटर, सेंटर में एक्ट करें, इसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो जो सेंटर में एक्ट करें दैट इज कॉल्ड एक्सियल कॉलम। अगर कॉलम सेंटर से थोड़ा सा हट के काम करो और एक डायरेक्शन से उसका लोड आए, दैट इज कॉल्ड यूनी एक्सियल। एंड उसके बाद अगर कॉलम में लोड आ रहा है, एक साइड से आ रहा है, सेंटर पर नहीं आ रहा, साइड से आ रहा है बट दो डायरेक्शन से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बाई एक्सियल। इसके बाद दोस्तों होता है हमारा बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। बड़े लोग कन्फ्यूज होते हैं, इसमें होता है दो टाइप होते हैं, इसमें एक होता है शॉर्ट कॉलम, एक होता है लॉन्ग कॉलम। अब दोस्तों इसमें शॉर्ट और लॉन्ग जो है, इनमें दो बेसिस अलग टाइप्स हैं। शॉर्ट कौन सा होता है? एलेक्स बाई डी। एलेक्स बाई डी इज लेस देन 12 इज शॉर्ट कॉलम, एंड एलेक्स बाई डी इज ग्रेटर देन 12 लॉन्ग कॉलम। कई लोग ये डिफिनेशन पढ़े रहते हैं, एलेक्स बाई डी इज लेस देन 12 शॉर्ट कॉलम। मैं पूछता हूँ ये एलेक्स बाई डी होता है क्या है, तो लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि आपके पास 3 मीटर का कॉलम है, तो 3 मीटर उसका डेप्थ क्या है, सॉरी विड्थ क्या है उसका? विड्थ मान लीजिए उसका 300 mm है, तो 3000, क्योंकि 3 मीटर है तो 3000 डिवाइड बाई 300, क्योंकि 0.3 mm को क्या बोलते मीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे mm में, तो 300 mm आएगी। दोनों को डिवाइड करो कितना आएगा? 10 आएगा। ये 12 से कम है, तो क्या हो गया? ये शॉर्ट कॉलम है। अगर यही इसके मतलब कि 3 मीटर के जगह पे 10 मीटर होता, तो 10 मीटर डिवाइड बाई मतलब 10,000 डिवाइड बाई 300, यानी रिबाउट जो भी वैल्यू आती है वो 12 प्लस होती, तो वो क्या हो जाता? हमारा लॉन्ग कॉलम हो जाता। तो इस तरीके से कॉलम का एक सीरीज है, जिसमें बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन लोडिंग और बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। ये आपको प्रॉपर याद करना है, कॉलम की डिफिनीशन याद करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर कॉलम्स के बनते हैं। मैं जल्दी एक क्वेश्चन बनाऊंगा सपोर्ट के ऊपर, एक वीडियो बनाऊंगा सपोर्ट के ऊपर। ये वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ यार कमेंट करो, और कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मेरा काम जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अप्लाई मतलब आप लोग बताइए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप पे, और हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस फ्रेंड्स।